हेलो सुमन शुभा, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज आपके सामने हुंडई क्रेटा का मोस्ट वैल्यूएबल मनी वेरिएंट एस ऑप्शनल। तो चलिए आपको बताते हैं इसी गाड़ी के बारे में, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहले बात करें इसके फ्रंट लुक की, तो काफ़ी बोल्ड लुक यहाँ पर देखने को मिलता है आपको। सेंटर में अगर आप देखेंगे तो आपको हुंडई का लोगो देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पार्ट आपको पूरा डार्क क्रोम में ऐसा ग्रिल देखने को मिल जाएगा। इसके नीचे भी आपको एक ग्रिल देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। एंड बाकी सिल्वर कलर की आपको स्किड प्लेट यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा ऊपर में आपको पूरा कनेक्टेड यहाँ पर इसकी डीआरएल्स मिल जाएंगी। एंड हेडलैम्प आप देखेंगे तो आपको फुल एलईडी सेटअप में यहाँ पर हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी इसकी विड्थ आपको 1790 mm की देखने को मिलती है। एंड यहाँ पर बोनेट पर भी आपको क्रीजेस वगैरह देखने को मिल जाएंगी, तो काफ़ी प्यारी लग रही है वो भी। बाकी साइड से आपको लुक दिखाऊं तो कुछ ऐसा लुक देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको जो इसकी लेंथ मिलती है वो 4330 mm की देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर वारियम्स वगैरह देखेंगे तो वो भी आपको बॉडी कलर्ड मिल जाएंगे। इधर आपको टर्न सिग्नल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर व्हील्स की बात करें तो इधर आपको फुल ब्लैक में इसके अलॉय व्हील देखने को मिल जाएंगे। एंड अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन भी काफ़ी प्यारा यहाँ पर देखने को मिलता है। सेंटर में आपका हुंडई का लोगो मिल जाता है। एंड यहाँ पर 17 inches के व्हील देखने को मिलते हैं। बात करें टायर साइज़ की तो वो आपको 215/60 R17 देखने को मिलता है। बाकी ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाती हैं। तो इधर भी आपको डिस्क ब्रेक्स मिल रही हैं। एंड रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाती हैं। इधर आपको क्लैडिंग वगैरह देखने को मिल जाएगी पूरा ब्लैक कलर से। एंड यहाँ पर देखें तो ये पार्ट आपको पूरा सिल्वर से देखने को मिल जाएगा। इधर आपको दिखा दूँ तो यहाँ भी आपको डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलती हैं। इसके अलावा देखेंगे तो ये जो ग्लास है आपका रियर में काफ़ी बड़ा आपको देखने को मिलता है। ये पार्ट आप देखेंगे तो ये आपको सिल्वर से देखने को मिल जाएगा। एंड रूफ रेल्स भी आपको सिल्वर कलर से ही देखने को मिल जाती हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पर आपको 50 liters की देखने को मिलती है। बाकी इसके अलावा व्हील बेस आपको 2610 mm का मिलता है। एंड हाइट आपको इसकी 1635 mm की देखने को मिल जाती है। बाकी रियर से कुछ ऐसा लुक देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर रियर में आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स देखने को मिलते हैं फुल एलईडी सेटअप में। ऊपर आप देखें तो ऊपर में आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। इधर आपको स्पॉइलर वगैरह दिए हैवी माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है। रियर वाइपर वॉशर डिफ्रॉगर मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो इधर आपको कैमरा भी इसमें देखने को मिल जाता है। इधर आप देखें यहाँ पे आपको क्रेटा की बैजिंग मिल जाएगी। एंड इधर आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। एंड ये पार्ट आपको पूरा ग्रे से देखने को मिल जाएगा। ये बात करें यहाँ पर बूट स्पेस की तो कुछ इतना आपको बूट स्पेस मिलता है 433 liters का। एंड ऊपर में आपको पार्सल ट्रे वगैरह मिल जाएगी। इधर आपको लाइट्स इसमें देखने को मिल जाती हैं। एंड इस साइड में एक हुक आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर स्पेयर व्हील आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो साइज़ है वो आपका 205/65 R16 देखने को मिल जाता है। एंड ये आपका स्टील व्हील देखने को मिलता है। ऊपर में आप देखेंगे इधर आपको कवरिंग वगैरह मिल जाएगी, हैंडल दिया हुआ है तो इसी से आप इसे क्लोज कर सकते हैं। रियर सेक्शन आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा डोर ट्रिम मिल जाएगा आपको। यहाँ पर ग्रे एंड डार्क ग्रे या वाइट ग्रे जो भी कह लीजिए आप। तो इधर ये पार्ट आपको पूरा ब्लैक से मिल जाएगा। एंड ये आपको सिल्वर से देखने को मिलता है। इधर आपको विंडो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपका बॉटल होल्डर, बाकी इधर आपको स्पीकर वगैरह मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर आपको इसमें सनशेड भी देखने को मिल जाती है, तो ये आपकी काफ़ी ज़्यादा रक्षा करेगी धूप से। एंड इधर आप देखेंगे तो रियर सीट्स कुछ ऐसी मिल जाएंगी आपको, फैब्रिक में देखने को मिलती है। इधर आपका एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। एंड सेंटर में आपको आर्मरेस्ट वगैरह इसमें देखने को मिल जाएगी। बाकी 3-point सीट बेल्ट इसमें भी देखने को मिल जाएंगी आपको। बाकी यहाँ पर स्पेस की बात करें तो इधर आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है। फ्रंट सीट्स यहाँ पर मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, मेरी हाइट अराउंड 6 feet है। तो इधर आप देखेंगे लेग रूम नी रूम काफ़ी अच्छा मिलता है। एंड अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आप देखें सेंटर में भी बहुत ही कम आपको देखने को मिल रहा है। इधर आपका स्पेस मिल जाता है, थोड़ा फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। 2 Type-C चार्जिंग पोर्ट मिल रहे हैं। एंड यहाँ पर आपका कुछ इस टाइप के डिज़ाइन में AC वेंट्स मिल जाते हैं, जिसमें कि आपको सिल्वर ट्रीटमेंट भी सेंटर में देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको इधर हैंडल मिल जाएगा, इसके साथ में लाइट मिल जाती है और ये लाइट आपको LED में मिलती है। इस साइड में अभी आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको एक लाइट एंड एक हैंडल देखने को मिल जाता है। बाकी इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको फ्रंट में एडजस्टेबल सीट बेल्ट देखने को मिलती हैं। बाकी बात करें यहाँ पर फ्रंट रो की तो इधर आपको कुछ ऐसा डोर ट्रिम मिल जाएगा। इधर आपको पूरा ORM एंड विंडो कंट्रोल्स वगैरह मिल जाएंगे। इधर आपको बॉटल होल्डर दिया हुआ है। बाकी इसके अलावा सीट्स की बात करें तो कुछ इस डिज़ाइन में आपको पूरा सीट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, साइड में भी काफ़ी सपोर्ट वगैरह इधर आपको मिल जाते हैं। इधर आपको एयरबैग्स की बैजिंग मिल रही है, तो यहाँ पर इसमें भी आपको एयरबैग्स मिल जाएंगे।
इधर आप देखेंगे तो आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप एंड हेडलैम्प लेजर देखने को मिल जाता है। कि सीट्स को आप मैन्युअली हाइट एडजस्टमेंट, फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड रिक्लाइन एंगल इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाता है। एंड सबसे पहले आपको इसकी कीज़ दिखाऊँ तो कुछ ऐसी कीज़ मिलती है, दोनों ही रिमोट कीज़ मिल जाती हैं लॉक अनलॉक एंड होल्ड टू बूट रिलीज़ के ऑप्शन के साथ में। एंड यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो आपको इधर पूरा फ्लैट बॉटम स्टाइल में स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपका पूरा वॉइस कमांड एंड आपका ऑडियो कंट्रोल्स, कॉलिंग कंट्रोल्स मिल जाएंगे। इस साइड में आपको क्रूज़ कंट्रोल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे एंड MID कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इधर आपको वाइपर का स्टॉक मिल जाता है एंड इस साइड में आप देखेंगे तो आपको हेडलैम्प का स्टॉक मिल जाता है। हेडलैम्प यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक में भी देखने को मिल जाते हैं। ऑन कर लेते हैं इसे फटाफट से। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से आपको पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है डिजिटल में। एंड यहाँ पर आपको स्पीड मिल जाएगी, इधर आपको फ्यूल गेज मिल जाता है एंड इस साइड में आपको RPM मीटर, नीचे आपको टेम्परेचर गेज वगैरह मिल जाएगी, सेंटर में आपको एक MID मिल जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ऑल पैसेंजर सीट बेल्ट रिमाइंडर वगैरह मिल जाएगा। एंड इसके अलावा इधर आपको दिखाऊँ तो इधर कंटेंट ट्रिप वगैरह हो गया, सेंस रिफ्यूलिंग, लास्ट रीसेट, ऑटो स्टॉप, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी इधर आपका क्लस्टर की सेटिंग्स, ड्राइवर असिस्टेंस, लाइट, डोर कन्वीनियंस, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड TPMS वगैरह भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। बाकी इधर आपको दिखाऊँ तो इधर आपका 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। यहाँ पर टच रिस्पॉन्स वगैरह इसमें काफ़ी स्मूथ आपको देखने को मिलेगा। एंड आपको रियर कैमरा की क्वालिटी दिखाऊँ तो कुछ ऐसी क्वालिटी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एंड इसके नीचे आप देखेंगे तो इधर आपको पूरा AC का स्टॉक देखने को मिल जाता है। इधर आपका डिफॉगर वगैरह मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर देखेंगे तो आपको Type-C चार्जिंग पोर्ट मिलता है, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है एंड इधर आपका एक USB पोर्ट दिया है। इधर भी आपको स्पेस मिल जाता है तो आप अपनी चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। इधर भी आप देखेंगे यहाँ भी आपको स्पेस मिलता है तो आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। इधर आपका 6 फीट ट्रांसमिशन का गियर नॉब, ये पार्ट आप देखेंगे ये भी आपको पूरा लेदरेट मटेरियल यहाँ पर मिल जाएगा। एंड यहाँ पर ये पार्ट आपको पूरा पियानो ब्लैक में देखने को मिलता है। इधर आप देखेंगे यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, हैंड ब्रेक मिलती है, इधर आपको सेंटर आर्मरेस्ट देखने को मिल जाती है। एंड इसके नीचे आपको इतना स्पेस मिल जाएगा, यहाँ पर कोई भी एक्सटेंशन का ऑप्शन इसमें नहीं है। इसके अलावा ऊपर में आपको टिकट होल्डर मिल जाता है। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है। इधर आपको लाइट्स वगैरह इसमें देखने को मिल जाएंगी कुछ इस टाइप से। एंड इधर आपका वैनिटी मिरर, बाकी इधर एक हैंडल आपको दिया हुआ है। सनरूफ आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको फुल पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर कुछ इतनी ओपनिंग आपको इसमें देखने को मिलेगी, हाँ इतना ओपन ये हो जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट वन क्लिक में ये पूरा आपका ओपन एंड क्लोज हो जाएगी। तो नीचे भी आपको कुछ भी स्लाइड वगैरह नहीं करना है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक यहाँ पर हो जाएंगी। इधर आपका IRVM मिल जाता है मैनुअली डिमिंग। बात करें यहाँ पर इस गाड़ी की सेफ्टी की, यहाँ पर आपको टोटल 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं। इसके अलावा आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स एंड रियर वाइपर वॉशर डिफॉगर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा भी आपको काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर इसके इंजन की, तो यहाँ पर आपको टोटल 3 इंजन ऑप्शन इसमें देखने को मिलते हैं, 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल एंड 1.5 लीटर डीजल इंजन। तो ये 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। एंड यहाँ पर ये आपके सामने 1.5 लीटर नॉर्मल पेट्रोल इंजन के साथ में एंड जो कि पावर फिगर यहाँ पर आपको मिलते हैं 115 PS की पावर एंड 143.8 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर काफ़ी क्लीन इंजन भी आपको देखने को मिलेगा। ऊपर में अभी आप देखेंगे तो इधर आपको इंसुलेशन वगैरह मिल जाएगा एंड यहाँ पर इसका बोनेट काफ़ी ज़्यादा हैवी है, तो इससे मैं क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी वगैरह काफ़ी सही आपको देखने को मिल जाती है। इतनी सारी डिटेल्स गाड़ी के बारे में, बाकी बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो आपको कॉस्ट करती है 14,35,900 रुपीज़ एक शोरूम। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको शोरूम की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड इसी तरह की वीडियोज़ को देखते रहने के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।